सर, पिछले वार्षिकोत्सव प्रोग्राम में आपने कुछ घोषणा की थी, वो किस तरह की घोषणाएं थी और उससे लोगों को क्या फायदा होगा? वो सबसे पहले तो मैं यहाँ के जो त्रिमूर्ति हैं, त्यागमूर्ति स्वामी ब्रह्मानंद, पंडित परमानंद दीवान सत्यनारायण सिंह जी के चरणों में शीश नमन करते हुए, और लोकतंत्र की प्रक्रिया में चौथा स्तंभ जो है पत्रकार बंधु, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप अच्छे कामों को इतनी वरीयता देते हैं। मेरा एक मिशन है स्वामी जी का कि वो मतलब धूम्रपान विहीन परिवार समाज हो, तो मैंने एक एक प्रयास किया है कि जिन परिवारों के माता पिता बीड़ी ना पीते हों, गुटखा ना खाते हों, जुआ ना खेलते हों, शराब ना पीते हों, और अगर वो अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ हैं, तो ऐसे जितने भी परिवार हैं इस क्षेत्र में, सभी परिवारों की बच्चों की फीस का वहन स्वामी ब्रह्मानंद स्वाभिमान सेवा संस्थान करेगा। और हमें ग्रेट मिशन स्कूल से सहयोग मिला है कि ऐसे बच्चे जितने भी आए तो ये भी उसमें सहयोग करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ऐसे जितने भी परिवार हों, एक नहीं दो नहीं जितने भी हों, सभी के लिए मैं प्रयास करूंगा कि संस्थान की तरफ से उन बच्चों का भरण पोषण हो और उनका फीस मैं दूं और उनकी पढ़ाई हो, स्वामी जी का मिशन आगे बढ़े। इस तरह के बच्चे और परिवार तो असंख्य हैं, आप क्या सभी बच्चों के लिए करना चाहते हैं या कुछ लिमिट बना के रखी है? ये बहुत अच्छी बात कही आपने, असंख्य भी हो जाए तो कम से कम एक सुधार तो हो जाए समाज का। मुझे लग रहा धूम्रपान असंख्य लग रहा, मुझे धूम्रपान के लोग असंख्य हैं और ना खाने वाले कम, अगर इसी बहाने सब ना खाने वाले असंख्य हो जाएं तो मैं अपनी क्षमता अनुसार कोशिश करूंगा कि अगर सारा समाज बिना बीड़ी गुटखा तम्बाकू का हो जाए तो उन बच्चों का मैं बहन करूंगा, चाहे मैं मजदूरी करके चाहे कैसे भी करूं, लेकिन उनके लिए चाहे भीख मांग के करूं, लेकिन अगर समाज गुटखा विहीन हो जाए तो मैं सारे बच्चों के करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उन बच्चों उन माता पिता के बच्चे माता पिता उन बच्चों का खर्चा या फीस देने में असमर्थ हूँ उन परिवारों के लिए। तो इस तरह से आप किस तरह से पता करेंगे कि उनके माता पिता धूम्रपान नहीं करते हैं? क्या चलिए, आपके बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं समाज से जुड़ा हूँ, आप ही लोगों के माध्यम से पता चलेगा, मैं प्रति व्यक्ति से जुड़ा हूँ, आसपास में जाकर के स्वयं सर्वे करूंगा, कोई इसमें कोई वो नहीं होगा कि झूठ का कोई कर दे, मैं स्वयं जाके आसपास से पूछूंगा, और मुझे नहीं लग रहा कि बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई झूठ करेगा, उम्मीद है कि शायद ऐसे परिवार मिलेंगे और ये मुझे सेवा का मुझे मौका मिलेगा। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।